नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के न्याय व्यवस्था की। आप सब ने एक मूवी आई थी गंगाजल, बड़ा फेमस भी हुई थी और उसमें बहुत कुछ दिखाया गया था। पुलिस के अपने कारना काम हैं, प्रशासन के अपने कर्म हैं, पॉलिटिक्स के अपने सिद्धांत हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स ने या जो सरकार है, सरकार ने प्रशासन को छूट दे रखी हो, वो छूट कभी हानिकारक भी होती है और कभी लाभदायक भी होती है। हानिकारक इन द सेंस इसलिए होती है क्योंकि अगर पुलिस गलत करने पर आ जाएगी, प्रशासन गलत करने पर आ जाएगा, तो फिर वो गलत करता जाएगा और सरकार उसको छूट दिए रहेगी। लेकिन अगर वो प्रशासन सही करने पर आ जाए तो फिर प्रशासन है। मैं सदैव कहता हूँ कि तीन अलग अलग चीज़ें हैं, सरकार, प्रशासन और जनता। सरकार, प्रशासन और जनता तीन अलग अलग मुख्य बिंदु हैं। सरकार आपके चुनने से बनती है, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं होती। प्रशासन, उसके बीच में जिसको तंत्र कहते हैं, वो तंत्र हमारे यहाँ आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही इस्टेब्लिश्ड है, ब्रिटिशों का इस्टेब्लिश्ड है। हमने अपना तंत्र अभी मूल रूप से तैयार नहीं किया, उसी तंत्र पर हम आज भी चल रहे हैं, उसी को हम सिस्टम कहते हैं या फिर हम उसको आज प्रशासन कहते हैं। लेकिन अगर उस प्रशासन से सही काम करवा ले, वही सरकार होती है। अगर सही से उसका उपयोग कर ले तो उसको सरकार कहते हैं, अगर उसका उपयोग ना कर पाए तो वो सरकार नहीं होती। वो तो केवल वहाँ पर बैठे लोग होते हैं जो कि मौज करने के लिए आते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण अंबेडकर नगर में हुआ। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का एक अच्छा पहलू ये है कि पूरे प्रदेश में आप किसी भी एक्सट्रीम रूरल एरिया में चले जाइए, किसी भी घुसकर चले जाइए। मैं कल एक स्थान पर बैठा था, जैथरा एक स्थान है एटा डिस्ट्रिक्ट में, और जैथरा से बहुत अंदर 15-20-25 किलोमीटर अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम दिया, जहाँ पुलिस नहीं जानती, प्रशासन नहीं होता, जहाँ पर चौकी नहीं होती, जहाँ पर कोई सरकारी आदमी नहीं होता, ऐसे गांव के रास्ते पर मैं बैठा था। तो उनसे मेरी बात चल रही थी और पूछ रहा था मैं कि सरकार के काम कैसे। तो उन्होंने कहा, साहब एक बात के लिए वैसे तो हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना करते हैं, दो तीन काम सरकार ने अच्छे कर दिए कि हमारे गांव में बिजली पहले नहीं थी तो बिजली आ गई, दूसरा पानी पीने का नहीं था तो पहले हम हैंडपम्प मांगते घूमते थे विधायकों सांसदों के साथ, अब हमारे गांव में टंकी बनी हुई है, तीसरा हमारे गांव की कनेक्टिविटी डामर की रोड बन गई है, और जो उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे यहाँ लोग परेशान करते थे रात के शाम को 6-7 बजे के बाद, हम शहर में रुक जाते थे, हम गांव नहीं आते थे क्योंकि रास्ते में आएंगे तो कौन लूट लेगा, पीट लेगा, मारेगा पीटेगा। कुछ दबंग लोग अपनी भैंसें चराने के लिए आते थे और हमारे खेतों में घुसड़ देते थे, हमारे खेत वो चरकर चले जाते थे, हम शिकायत करने जाते थे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, तो कोई हमारी शिकायत भी सुनने वाला नहीं था क्योंकि उन्हीं के लोग वो हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में कम से कम इतना है कि हम शांति से हैं, लोग हमको परेशान नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान करने से पहले सोचते हैं, पुलिस यहाँ पर है या नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर इस बात का खौफ है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो अगर आप गलत करेंगे तो वो सरकार आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका परिणाम परिणति आपको भुगतनी पड़ेगी। अंबेडकर नगर की घटना हम सब ने सुनी। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की घटना ऐसी थी कि एक बच्ची जिसकी आयु 15-16 साल की थी, ग्यारहवीं बारहवीं में वह पढ़ती थी, वो बच्ची घर जा रही थी, कहीं स्कूल से या ट्यूशन से आई, घर जा रही थी, उसका दुपट्टा नोच लिया गया, उसका दुपट्टा खींचा गया या उसको नेग्लिजेंसली उसको परेशान किया गया। लड़की अपना बैलेंस खो बैठी और बैलेंस खोकर वो साइकिल से थी, वो गिर पड़ी। जब वो गिर पड़ी तो उसके जस्ट पीछे से एक बाइक आ रही थी, जब वो गिरी तो बाइक उसके ऊपर चढ़ गई और वो उस लड़की की मृत्यु हो गई। पहले पुलिस ने केस नेग्लिजेंस का बनाया था, मॉडेस्टी भंग 354 का, 304A का, बाद में CCTV की फुटेज मिल गई। हालांकि ये शहर का प्रकरण है तो मिल गई होगी, देहात का होता तो क्या होता। CCTV की एक फुटेज मिल गई, उस फुटेज से पता लगा कि लड़के बड़ी पीछे से उसका पीछा कर रहे थे और लड़कों ने उसका दुपट्टा खींचा था, लड़कों ने जबरदस्ती उसके साथ बदतमीजी, उसकी छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से लड़की अपना बैलेंस खो बैठी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी, जिसके पीछे से आ रही बाइक जो कि किनारे से चल रही थी वो बाइक उसके ऊपर चढ़ गई, लड़की की मृत्यु हो गई।
ऐसे तीन लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आ रही थी कि वो एक विशेष समुदाय के लोग थे, उनके नाम मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद फैजल और एक माइनर। मोहम्मद शहबाज 25 वर्ष की आयु का लड़का था, मोहम्मद फैजल 19 वर्ष का लड़का था और उसके साथ दूसरे लड़के, एक लड़का और था। ये तीनों उसको छेड़ रहे थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करी, गिरफ्तारी के बाद इनको मेडिकल के लिए ले जा रहे थे। मेडिकल के लिए ले जाते समय ये एक उनमें से एक पुलिस वाला जो इनको ले जा रहा था उसके पास बंदूक थी। जब ले जा रहे थे तो ये लड़के कूदे और कूद कर इन्होंने उसकी बंदूक छीन ली। बंदूक छीन कर इन्होंने उल्टी फायरिंग करी। उल्टी फायरिंग करने के बाद पुलिस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस समय क्रॉस फायरिंग हुई तो एक के पैर में चोट लगी है और एक के और चोट लगी है, तीसरे को भी गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों के गोली लगी है, पैर में गोली लगी है और एक के दूसरे स्थानों पर मारपीट, मतलब जो जो झगड़ा हुआ है उसमें लगी है। ये तीनों लड़के पकड़ लिए गए। पकड़ने के बाद इनको मेडिकल, मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब इस पार्टिकुलर समुदाय का कहना ये है कि साहब ये लोग, इन्होंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ लिया था, ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये गोलियां ज़बरदस्ती चलाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इन बात में तथ्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस के राइफल उल्टी इन्होंने छीन ली थी, भागने की कोशिश की थी और पुलिस से इसके, इसका कारण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में खौफ बहुत है, जिसने अपराध किया है उसको खौफ है कि वो पकड़ लिया गया तो क्या होगा। अतीक अहमद को हमने देखा कि क्या हुआ था उसके साथ, उसके भाई के साथ क्या हुआ था, अशरफ के साथ। और उत्तर प्रदेश में ऐसी पिछले 7 वर्ष में, 6.5 वर्ष में इतनी घटनाएँ हुई हैं कि अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में अपराध ही रहेगा या अपराध रहेगा भी या नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं है अपराध खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराध नाम, अपराधी नाम की चीज़ अब निकलकर बाहर नहीं आती। जो अपने आप को दबंग सरकार के होने की वजह से समझते थे, जिनको लगता था कि हम दबंगई करके ये कर लेंगे, जिनको लगता था मुजफ्फरनगर जैसी घटनाओं में कि लड़की हम हिंदुओं की उठा लेंगे और उसके बावजूद हम लड़ेंगे भी और दंगे भी हो जाएंगे, वो आज वो रोल पूरा का पूरा सरकार प्ले कर रही। सरकार किसी को भी नहीं बख्श रही, यानी कि बाबा जी का न्याय। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि डर भी हो सकता है कि डर के मारे भाग रहे हों, और ये भी हो सकता है कि वो भाग ही रहे हों। ये भी लोगों में दबी जमान में चल रहा है कि नहीं न्याय हो रहा है, क्योंकि आप 354 का केस लगाएंगे या आप 304A का केस लगाएंगे, इसको लेकर आप अदालत जाएंगे तुरंत जमानत दे देगी। जमानत चूँकि बहुत बड़ा ये मैटर नहीं बनता, इसलिए आसानी से जमानत नहीं लोअर से होगी तो हाई कोर्ट से हो जाएगी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा भी लोगों का कहना है। चाहे जो हो, लेकिन अपराधी या आरोपी जो भी आप कह लीजिए, ये आज खौफ की स्थिति में है। और ये गंगाजल स्टाइल का न्याय है कि आपने भागने की कोशिश करी। पहले ये क्या है, भाग जाते थे, पुलिस ढूंढती रहती थी, पुलिस की सांठ गांठ से इनका कोई पता नहीं लगता था। जमाने तक ये अड़ोस पड़ोस की बच्चियों को छेड़ते रहते थे, अफरा तफरी का माहौल बनाए रहते थे, लेकिन आज की तारीख में इन्होंने भागने का प्रयास किया तो उस प्रयास में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत एक्टिव होते हुए इनकी गिरफ्तारी को प्राथमिकता दी और इनको गिरफ्तारी को प्राथमिकता देते हुए इनके खिलाफ एक्शन ले लिया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इनमें दो की फ्रैक्चर आ गया है और जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, और एक के गोली लगी है। क्या हुआ है पता नहीं, अभी तो पूरी स्थिति पता लगेगी। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अपराधियों ने पुलिस के या आरोपियों ने पुलिस के ऊपर पहले गोली चलाई और पुलिस के ऊपर गोली चलाने की वजह से पुलिस को ये कार्रवाई उल्टी करनी पड़ी। हालांकि जो पुलिस जो 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 पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपने में इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर ये घटना हुई क्या थी। क्योंकि आप अगर उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे थे हॉस्पिटल, तो क्या आपकी इतनी जिम्मेवारी भी नहीं है कि आप उसको सुरक्षित ले जा सकते हैं और सुरक्षित वहां तक पहुंचा सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन ये जो हो रहा है इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में पता लग रही है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार का चल रहा है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्या और किस प्रकार का काम कर रही है। किसी भी प्रकार से यहां अपराधी या आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी योगी जी की प्रतिज्ञा
पूर्ण होती दिख रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।